मेरे भाइयों और बहनें, हम आज जमा हैं। सबसे पहले ये हलाल कमाई का मौजू आखिर में इतना अहम क्यों है, उसके ताल्लुक से चंद बातें देखते हैं हमारे खुद के भले के लिए। क्योंकि आदमी जब इसकी अहमियत पहचान ले तो वो खुद कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। अगर हलाल की अहमियत लोग समझ लें, सिर्फ पहचान लें कि हलाल क्यों इतना अहम है, तो लोग खुद उस ताल्लुक से भाग दौड़ कर लेंगे, खुद उस ताल्लुक से कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे भाइयों बहनें, एक याद दहानी के तौर पर, एक रिमाइंडर के लिए हम पहले अपने आप को याद दिलाते हैं कि हलाल की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। सबसे पहली वजह, यह हदीस सुनन तिर्मिदी में है, हदीस की सनद सही है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने नफ़सा फी रूही, मेरे रूह में यह पैगाम डाला, ये बात डाली। मुस्नद अहमद में भी हदीस है, मेरे रूह में ये बात डाली कि कोई शख्स दुनिया से नहीं जा सकता जब तक वो अपने हिस्से का रिस्क हासिल ना कर ले। मतलब जितना रिस्क मिलना है, जब तक उसे मिल नहीं जाता तब तक वो दुनिया से जा ही नहीं सकता। उसको जितना रिस्क मिलना है वो रिस्क मिल कर रहेगा। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज मिलू फी तलब, तो अच्छे ही तरीके से हासिल करो ना, जितना रिस्क मिलना है उतना मिलना है तो अच्छे ही तरीके से हासिल करो। मेरे भाइयों बहनें, आप सबके सामने मैं एक बात रख रहा हूँ आज की शाम, और वो बात है कि शैतान कहता है कि मेरे रास्ते पे चलो फ़ायदा हो जाएगा, मेरी बात मानो मालदार हो जाओगे, मालामाल हो जाओगे, पैसे मिलेंगे। लेकिन सही बात यह है, जितना रिस्क मिलना है उतना ही मिलना है, हराम करके ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये हदीस हमें पता चला। तो जब जितना मिलना है उतना ही मिलना है तो सही तरीके से ही हासिल करो, गलत तरीके से क्यों हासिल करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, कई बार ज़िंदगी में सामने सामने दिखता है कि हलाल करूँगा तो 10,000 कमाई होगी, हराम तरीके से करूँगा तो 1,00,000 रुपए आते दिख रहे हैं। होता है, हाँ ये होता है ज़िंदगी में। बनी इसराइल के साथ हुआ, जो दिन उनके लिए मना था उसी दिन मच्छियाँ ऊपर आ रही है। अब हमारे साथ ऐसे बिल्कुल यही शक्ल में नहीं होता, लेकिन दूसरी शक्लों में होता है, जो चीज़ मना है वही सामने आ रही है। अब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फज मिलू फित तलब, अच्छे ही तरीके से हासिल करो, क्योंकि जितना रिस्क मिलना है उतना मिलना है, उतना ही मिलना है। तो मेरे भाइयों बहनें, अब ये सामने सामने आंखों को दिख रहा है जो कि 10,000 यहां आ रहे हैं, यहां 1,00,000 आ रहे हैं, इसका क्या करेंगे। याद रखो, कुरान और हदीस में जो बातें हैं ना वो सच्ची है। आंखों को धोखा हो सकता है, आंखें गलत बोल सकती हैं, कैलकुलेटर गलत बोल सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। सही मुस्लिम में हदीस है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मा नकसत सदकतु मिन मालिन, सदके से माल कम नहीं होता। हदीस है, सदके से माल कम नहीं होता। अब आदमी के पास 1,00,000 रुपए हैं, उसने 10,000 सदके में दिए, तो कैलकुलेटर बोल रहा है अभी तुम्हारे पैसे कम हो गए 90,000 है, आंखें बोल रही है 1,00,000 से 90,000 हो गए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता, तो किसकी बात मानोगे, कैलकुलेटर की बात मानोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानोगे, किसकी बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे। अब यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना रिस्क मिलना है उतना मिलना है, फजमिलू फी तलब, अच्छे ही तरीके से हासिल करो, तो कैलकुलेटर की बात मानेंगे, आंखों को जो दिख रहा है, लेकिन दुनिया की जिंदगी धोखा है, ये भी तो दिया है कुरान में, तो आंखों की बात को मत मानना मेरे भाई। देखिए आज की शाम से ये अगर ये यकीन लेकर चले जाए ना, और दुनिया की जिंदगी में कल जब सामने ऐसे इम्तिहान आएंगे तो एक इंसान ईमान की रोशनी में फैसला करने लगे, तो समझ लो कि यहाँ हमारा मिलकर बैठना हासिल हुआ, एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो गई। चलो एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ ऐसा होता है कभी कभार कि गलत करके 1,00,000 आ रहे हैं, लेकिन वो आपका रिस्क है, ये कैसे आपने फैसला किया। वो 1,00,000 आ रहे हैं, पता चला 30,000 डॉक्टर पे चले गए, 20,000 लॉयर के पीछे खर्चा हो गए, 30-40,000 किसी ने आपके साथ चीटिंग कर ली, आखिर में पेट में 10,000 गए। तो जो रिस्क मिलना था उतना ही मिला, हराम करके ज्यादा नहीं मिलता है, याद रखो, दिमाग में बिठा लो, हराम करके ज्यादा नहीं मिलता है, जितना रिस्क मिलना है उतना ही मिलना है, तो हलाली तरीके से हासिल करो भाई, हराम करके क्यों हासिल करेंगे। यह हो गई पहली वजह। अब दूसरी वजह सुनिए मेरे भाइयों, जब आदमी हलाल तरीके से काम करता है तो जितना रिस्क मिला है उसमें बरकत होती है, उसमें बरकत होती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, अल बायानी बिल खियार, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है,
मालम यतफर्रका, जब तक दोनों अलग ना हो जाए, जो बेचने वाला है खरीदने वाला है दोनों के पास इख्तियार होता है जब तक दोनों अलग ना हो जाए। हाँ, हमारे यहां इख्तियार कहां तक होता है? हमारे यहां पे इख्तियार होता है कैश दे दिए, कैश गले में गया, निकलेगा नहीं बाहर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है जब तक दोनों अलग ना हो जाए, यानी जब तक कस्टमर गया नहीं, वो उसका माइंड चेंज हो गया, बोले नहीं मेरे पैसे वापस दो, दो उसको वापस। लेकिन आगे की हदीस सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन सदका वसलहा, अगर सच बोलते हैं एक दूसरे का भला चाहते हैं, बोरिक लहुमा फी बैहिमा, वो तिजारत में बरकत होती है। वइन कदमा वकदबा, अगर ऐबों को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, मुहिकत बरकतु बहिमा, वो तिजारत की बरकत खत्म हो जाती है। तो पता क्या चला इस हदीस से, हलाल तरीके से काम करते हैं तो माल में बरकत होती है। अब बरकत किसे कहते हैं? बरका बिरका से आता है, जिसका मतलब है एक तालाब होता है जिसमें दिखता पानी जितना है लेकिन बहुत होता है, अंदर पानी बहुत आता है। बरकत का मतलब है कम में ज्यादा का फायदा। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, चलते चलते रोड से उतर गई, पांच आदमी खींच रहे हैं, गाड़ी वापस रोड पे नहीं ला सके, दो पहलवान आते हैं आकर के उठाते हैं, उठा करके गाड़ी को रख देते हैं। तो हम बोलते हैं वो दो भारी निकले कि पांच भारी निकले, दो ज्यादा है या पांच ज्यादा है? वो दो ज्यादा निकले, पांच से ज्यादा दो निकले। जैसे मेरे भाइयों और बहनें, हम लोग सुनते हैं ना अपने बाप दादा के जमाने में कहानी सुनते हैं ना, बोलते हैं हम लोग तो इतना कमाते थे पूरा घर खाता था, अभी इतना कमाते हैं तो भी खर्चा कम नहीं हो, कम पड़ता है। क्यों? आज हम देखते हैं कि बुराइयां बढ़ रही है, और जब बुराइयां बढ़ रही है तो माल की बरकत कम हो जाती है। जो पहले के ज़मानों में जब बुराइयां इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज जो सूद शक्लें बदल बदल के आता है तो क्या होता है, बरकत ये सब चीज़ों से चले जाती है। माल हो फिर भी बरकत नहीं है, माल होकर भी इत्मीनान नहीं है, कनात नहीं है। मालदारी कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलगिना फिल कल्ब, मालदारी दिल में, वल फ़ख्रु फिल कल्ब, माल और फ़कीरी भी दिल में है। वो मन कहना गिना फी कल्बी ही, और जिसके दिल में मालदारी होती है ला यदुर्रहु मा लकिया मिन दुनिया, उसे दुनिया की बहुत परेशानी भी आ जाए तो परेशान नहीं करेगी। परेशानी आना एक बात है, परेशान होना दूसरी बात है। मालदारी जब दिल में होती है ना, परेशानी आने के बाद भी आदमी परेशान नहीं होता है। वल फ़क्रु फिल कल्ब, वो मन कहना फ़क्रु फी कल्बी ही ला यनफ़ु मा अक्सरु लहु मिन दुनिया, अगर किसी के दिल में फ़कीरी है, उसके पास दुनिया की बहुत चीज़ें हो तो भी उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। हदीस सही जामे में, हदीस सही सनद से। तो मेरे भाइयों, असल जो मालदारी है, जो बरकत मिलती है, वो कैसे मिलती है? हलाल से मिलती है। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखो, हलाल कमाई खाएंगे तो वो हलाल कमाई थोड़ा भी बहुत फ़ायदा देगी, और हराम हो वो ज़्यादा हो के भी बरकत नहीं होती उसके अंदर। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? जितना मिलना है उतना मिलना है। नंबर दो, हलाल तरीके से करेंगे तो जितना मिला उसमें बरकत का एडिशनल फैक्टर होगा, बरकत की वजह से वो ज़्यादा काम कर जाएगा, वो चीज़ ज़्यादा फायदा पहुंचा जाएगी जो बरकत वाली आमदनी होती। ये हो गए दो पॉइंट। तीसरी चीज़, अब देखते हैं कि अगर कोई हराम करता है, हराम कमाई खाता है किसी भी तरीके से, तो क्या होता है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु जसदिन, हर वो गोश्त, न बता मिन सुहती, जो हराम कमाई खा के बना, हर वो गोश्त जो हराम कमाई खा के बनता है, फन्नारु औला बी, उस गोश्त पर जहन्नम की आग का हक है, जहन्नम की आग जलाकर रहेगी, उसका हक बन गया। जो गोश्त हराम कमाई से बना, वो गोश्त को जहन्नम की आग जलाकर रहेगी, बच नहीं सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा? खलूस इखलास के साथ तौबा करना होगा, वो हराम कमाई को निकाल देना होगा। मतलब उसकी भी शक्लें हैं, ऑफ कोर्स अलग अलग शक्लें हैं, लेकिन जानबूझ के लेंगे तो सोचो किसका गोश्त बन रहा है, गोश्त किसका बन रहा है? सोचो, सिर्फ हमारा गोश्त थोड़ी बन रहा है, बीवी बच्चों का भी तो बन रहा है ना, क्या दे रहे हो उनको? हराम कमाई दोगे? फन्नारु औला बी, जहन्नम की आँख का हक है उस पर। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बहनें, ऐसा मत होने दो, ये फितना है, ये दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश है। अगर ये दुनिया सब कुछ है तो करो,
पैसा क्यों छोड़ रहे हो, 1 लाख आ रहे हैं तो ले लो, दुनिया सब कुछ समझते हो तो ऐशो आराम को छोड़ कैसे सकते हो। लेकिन सही बात क्या है, दुनिया सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है और इसके आगे बहुत लंबी ज़िंदगी हमारी। मरने के बाद हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है और क़यामत के दिन के 5 सवाल हैं, सुन्नत तिर्मिज़ी की सही हदीस, उसके अंदर पहला और दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल है, वो माल ही मीन तबहू, पैसा कहाँ से कमाए, वो फीमा अनफ़ाक़हू, कहाँ खर्च किए। आदमी बोलते मेरा पैसा है, मैं जैसा चाहे खर्च करूँ, कहाँ खर्च किए जवाब देना पड़ेगा, ऑडिटिंग होने वाली, पैसा कहाँ से कमाए जवाब देना पड़ेगा, क़यामत के दिन ही जवाब देना पड़ेगा कहाँ से कमाए, सब इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी अला रूसिल खलाइक, सारे इंसानों के सामने। तो मेरे भाइयों बहनों समझ लो, ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, यही असल बात है ना। अगर ऐसा नहीं होता ना तो जो करना है करो, कर रहे हैं ना लोग, अपना मजहब बना के रखा है पैसा, कितने सारे लोग हैं इबादत करते हैं उनके लिए पैसा सब कुछ है, पैसा आ गया बस आना चाहिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलनासी जमान, इंसानों पे एक ऐसा ज़माना आने वाला है, मा युबालु रजुल, जिसमें एक इंसान फिक्र नहीं करेगा, मा अखद मिनहु अमिनल हलाल अमिनल हराम, जो आ रहा है पैसा हलाल आ रहा है हराम आ रहा है, आदमी कोई फिक्र नहीं लगी होगी। सही बुखारी में हदीस है, पेशन गोई की, और हुआ वैसा ही ज़माना चल रहा है, पैसा आना चाहिए बस, जाना नहीं चाहिए, पैसा आ रहा है हलाल आ रहा है हराम आ रहा है, नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों बहनें ऐसे नहीं सोचते हैं ईमान वाले, ईमान वाले ऐसे नहीं सोचते हैं। और अगर आपके जहनो दिमाग में ऐसा है, कैसा है, शैतान गरीबी से डराता है, बोले मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो गरीबी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, और लोग ये समझते हैं कि तकवे वाले लोग तो गरीब रहते हैं, ऐसा लोगों के जहनों में शैतान डर डालता है, बोलते तकवा आया मतलब गरीब रहना पड़ेगा। हालांकि कुरान की आयत पढ़ेंगे तो उसका ऑपोजिट बात दी, उसके खिलाफ बात दी है, सूरह तलाक में सूरह 65 आयत नंबर 3 अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यत्तकिल्ला, जो तकवा रखता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा, वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रिज़्क देगा जहां से सोच नहीं सकते, जहां से सोच नहीं सकते वहां से रिज़्क देगा। मतलब जब हलाल काम करेंगे ना मेरे भाइयों बहनें, तो रिज़्क कहां से आएगा सोच नहीं सकते, वहां से रिज़्क आएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों बहनें, ये चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग, ये चीज़ को हम लोग कैसे छोटा समझ सकते हैं। तो ये है हमारी चौथी फजीलत, हम आज देख रहे हैं। पहला फ़ायदा हमने क्या देखा, हलाल की अहमियत अपने जहनों दिमाग में रखो। क्यों रखो, क्योंकि हम में से हर कोई दुनिया में रहते हैं, पैसे का लेन देन ये तो लगा हुआ ही है। हाँ, अगर आप ऐसे भाई हो जो कभी पैसे का कोई लेन देन नहीं करने वाले हो तो आज का लेक्चर आपके लिए मेरा है ही नहीं, लेकिन आप दुनिया में रहने वाले नॉर्मल से इंसान हो जिसको पैसे का लेन देन करना पड़ता है, तो आपके हम सब के लिए ये बातें हैं, तो क्यों ना हम सब याद करके उठें। यहाँ से 5 चीज़ें याद कर लीजिए, 5 बस 5, ये 5 क्या याद करिए। नंबर वन, जितना आना है उतना आकर रहेगा, पहला पॉइंट, जो मिलना है उतना ही मिलना है तो सही तरीके से हासिल करो, जो मिलना है उतना ही मिलना है सही तरीके से हासिल करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, बरकत हलाल तिजारत में, बरकत क्या चीज़ में है, हलाल तिजारत में। तीसरा पॉइंट, हर वो गोश हराम कमाई खा के बनता है जहन्नम की आग का हक है उस पर। देखो याद करो, क्यों, कल पैसा सामने आएगा ना और शैतान वसवसे डालेगा, तो पास होने के लिए ये सब बातें याद आनी चाहिए कि मुझे गोश नहीं जलाना है, मेरा बीवी बच्चों का गोश्त जहन्नम की आग में जले नहीं चाहिए मुझे, ऐसी कमाई ये सोचना है मेरे भाइयों बहनें। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, कि अगर सही चीज़ तकवे का रास्ता लेंगे, हलाल कमाई का रास्ता लेंगे, अल्लाह हमारे लिए रास्ता निखोलेगा निकालेगा। फंस जाते हैं ना कई बार, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, टैक्स का प्रॉब्लम आ सकता है, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आ सकता है, सप्लाई का प्रॉब्लम आ सकता है, कस्टमर ना होने का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अल्लाह रास्ता किसके लिए निकालेगा, तकवे वालों के लिए निकालेगा, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह ऐसे लोगों के लिए रास्ता निकालेगा। ये कहाँ की बशारत है, ये दुनिया की बात हो रही है। ये जल्लहु मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से सोच नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं मेरा रिस्क का जरिया ये है ये है ये है, अल्लाह कहता है मैं वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम सोच नहीं सकते, लेकिन क्या करना होगा, तकवे का रास्ता लेना होगा। 4 पॉइंट हो गए। नंबर पाँच ये है, कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहर रुसुल, ए रसूलों,
कुलो मिन तय्यिबाति वअमलु सालिहन, पाक खाओ और नेक काम करो। कनेक्शन है इसमें, तो ये बात पाक खाओ और नेक काम करो। पाक खाओगे तो नेक काम करना सूझेगा, खबीज खाएंगे तो वैसे ही काम करना सूझता है। पाक खाओ, कुलू मिनत तो ये बात ही वअमलु सालिहन, और नेक काम करो। मतलब जो हम खाते हैं ना गिजा, उसका हमारे अमल पे भी असर पड़ता है। हम क्या अमल कर रहे हैं उस पर असर पड़ता है। आज हम जो देख रहे हैं इतनी सारी बुराइयां आम है ना मुसलमानों में, कहीं पे पैसे का दखल है। ये पैसा जो है, ये गिजा जो जा रही है, वैसे ही काम करेंगे ना, गंदा पैसा खाओगे, हराम पैसा खाओगे और नेक काम करोगे, नहीं जो खाते हैं वही थॉट्स आने लगते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, ये गैब की बात है, लेकिन हमारा ईमान है इन चीज़ों पर। और कुलू मिनत तो ये बात ही वामलु सालिहन, पाक खाओ नेक काम करो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, अपने पेट में जितना जाए पाक जाए, हलाल जाए, वो हलाल जाएगा तो क्या होगा मामला, वामलु सालिहन, नेक काम करेंगे, उसका असर होता है, उसका असर है।